बेटा 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 इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, पढ़ के खेल रही है। हाँ तो उसे लेके आ गया हूँ। बिल्कुल अब ये रेडी हो गई और आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर चलते हैं। मैं तो भी रेडी हूँ। हाँ ठीक है, मम्मी की कॉल आ रही। हेलो, आ आ रहा है मम्मी, बस 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में आ रहा है। नाना साहिबा रेडी हो रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये सो रही हैं बहनी, छोटा बेबी सो रहा है अभी। और मम्मी क्या कर रही हैं दिखाते हैं। मम्मी सर्व कर रही हैं, मम्मी बनाई हैं फास्ट का वो साबुदाने का, साबुदाने की खीर बनाई हैं। ऐसा कपड़ा बाबू पीता हुआ, इसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, एकदम चिल्ड है। पी लो, पी लो बेटा, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, पेट भर गया। ले ले, ट्राइंग टू जंप। बेटा इधर देखो, बेटा इधर देखो, इधर देखो, बेटा इधर देखो, मासी से बात कर लो। डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस डांस। जाओ डांस करो, बाबू 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 इधर देख लो मुन्ना। नींद आ गया। हेलो बाबू, हेलो क्या खा रहा हूँ बेटा? ये देख लो मासी क्या कर रही है। ये व्रत वाला है क्या सिंपी? ये व्रत का पकौड़ी है क्या?
गाइज हम लोग नाइट में निकले हुए हैं, अभी 10:30 हो रहे हैं और आज अष्टमी है, तो हम लोग दुर्गा जी का पंडाल लगा हुआ है, जगह जगह पे लोग घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग भी रात में घूमने के लिए निकले हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग देख सकते हैं गोरखनाथ है गोरखपुर का, और काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है इन्होंने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे पंडाल बने हुए हैं, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। और रात में अलग ही मज़ा आ रहा है घूमने में, अलग ही एक्साइटमेंट है रात का, और कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह हो रखी है आप लोग देख सकते हैं। और कितना बढ़िया डेकोरेट हो रखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक पंडाल यहाँ। ये रहा पंडाल माता रानी का, उधर जय माता दी, उधर सुंदर है। जय माता दी। ये है गाइस पंडाल यहाँ का, बहुत ही सुंदर बना रखा है माता रानी का, आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह कितना बढ़िया हो रखा है। जय माता दी। बहुत ही सुंदर है, मैं अभी आपको बैकग्राउंड से दिखाती हूँ। अभी हम लोग मानसरोवर आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए क्लियर आ नहीं रहा है। और ये मैडम यहाँ पे तालाब के किनारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं रात में, और मैं आपको इधर का पूरा व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार लग रहा है लाइट्स की वजह से रात में, और ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बगल में रामलीला ग्राउंड है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आए हुए। मंदिर देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ का, वाओ। कलर से यहाँ पे फिश कलरफुल फिश हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। यहाँ पे बैठे हुए हैं तालाब के पास और बहुत अच्छा लग रहा है रात में, यहाँ का
काफ़ी अच्छा लाइटिंग वगैरह हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड। हम लोग बस जस्ट ऐसे ही घूमने के लिए आ गए बाहर, कोई प्लान नहीं था, और बहुत बढ़िया लग रहा है, आके बहुत खुशी हो रही है। हम लोग आ नहीं रहते बट आ गए, बहुत अच्छा किया हमने, क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो ये चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं। अभी वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश होने वाली है, अच्छा किसी भी वक्त बारिश चल रही है, बारिश कभी भी हो सकती है, बारिश कभी हो सकती है। हम लोगों ने इतना सारा बलून ले रखा है और लग रहा है अब हम लोग मेला देख के वापस जा रहे हैं, मेला ही देख के वापस जा रहे हैं, मेला ही देख के जा रहे हैं, बट इतना सारा बलून मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, उनके लिए मैं ले जा रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतना सारा लेकर। मैं तो आप लोग को भी दिखा देती हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं ही बच्ची बन गई हूँ इसके साथ। कौन है भाई, क्यों रो रहा है, रोता है इतना, कौन रो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा को, बहुत रो रो आता है। टेडी के ऊपर मजा आ रहा है आपको लेटने में, बहुत मजा आ रहा ना, बाबू इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मारो, मारो इसको मार दो, सोच रहा मेरे सामने। नीचे गर्मी से परेशान था, उनको समझ में आ गया, खाना जी को मत फेंकना। हाँ ये देखो क्या लगा है, आने वाला नहीं।